मेरे मम्मा पांच पड़े हुए हैं, डैडी अट्ठ पड़े हुए, फिर भी उन्होंने इतना ज्यादा सोचे मेरे बारे में। डैडी किसान ने, मम्मा हाउस वाइफ ने, दोनों भैनों ने बहुत सपोर्ट किया। मैं 13 से 14 घंटे रोज़ पढ़ती सी, तो कंसिस्टेंसी रहती सी, हमेशा रोज़ पढ़ना ही पढ़ना हैगा। गुरिंदरपाल सर हैगे चंडीगढ़ जी ने मैं फ्री कोचिंग दी हैगी, 1.5 साल मैं उत्थे स्टडी की हैगी उन्होंने को रह के, तो फ्री कोचिंग दी उन्होंने। पूरे परिवार से तो इदा लगा जी, जिन्हें जिन्हें भी सुने वो कोई भंगड़ा पाता जी, कोई ढोल बजा ढोली भी लिया, पटाके भी लिया, बहुत खुशी की थी। मैंने 4 साल हो गए इस प्रैपरेशन करती हूँ। 2018 के मेरी लॉ कंप्लीट हुई सी, तो काफ़ी स्ट्रगल रहा है। ये मेरी सैकेंड अटैम्प्ट हरियाणा का, तो मम्मा डैडी ने, मेरी भैनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इन्हों की सपोर्ट तो बिना तो मैं कुछ भी नहीं हैगी सी। तो मेरे मम्मा पांच पड़े हुए हैं, डैडी अट्ठ पड़े हुए, फिर भी उन्होंने इन्ना ज़्यादा सोचा मेरे बारे में, उन्होंने किया है बहुत ज़्यादा। डैडी किसान ने, मम्मा हाउस वाइफ ने, दोनों भैनों ने बहुत सपोर्ट किया। कितने घंटे की स्टडी होती थी, पूरा किस तरह की? हाँ जी, मैं 13 से 14 घंटे रोज़ पढ़ती सी, तो कंसिस्टेंसी रहती सी, हमेशा रोज़ पढ़ना ही पढ़ना हैगा। मतलब तुसी ये कह लो कि जे नहीं पढ़ती सी, फिर इदां लगता कि पता नहीं अज कुछ मिसिंग है दिन चो, तो रोज़ का हैगा सी। 4 साल लगातार मैं तैयारी की। इस सफलता के लिए तुसी किसनों श्रेय दिंदे हो? सब तो पहला मैं सतगुरु दलीप सिंह जी नामधारी परिवार तो मैं तो उन्होंने सब तो पहला मैं दवांगी, तो उस तो बाद मेरे परिवार को, तो गुरिंदरपाल सर हैगे चंडीगढ़ जिन्होंने मैं फ्री कोचिंग दी हैगी, 1.5 साल मैं उत्थे स्टडी की हैगी उन्होंने को रह के, तो फ्री कोचिंग दी उन्होंने। गुरिंदरपाल सर फॉर्मर हो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चेयरमैन रहे हैं, तो उन्होंने सारा क्रेडिट जाता है। बाकी सारे दुआवां दे नाल सारे ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया पूरे परिवार ने। कॉलेज लोग किस तरह की सपोर्ट रही, अध्यापक कितना सहयोग करते रहे? हाँ जी, कॉलेज के शर्मा सर है, एससी शर्मा डायरेक्टर हैगे है सेंट सोलजो लॉ कॉलेज के, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। वो साडा लैक्चर एक होंदा सी जीरो लैक्चर, वो शुरू तो 5 ईयर तो ही, मतलब फस्ट ईयर तो ही उन्होंने साड़ी स्टार्ट करवाती सी तैयारी, तो कॉलेज तो ही मैं उन्होंने, मतलब उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने मतलब एक सपना उन्होंने दिखाया हैगा। शर्मा सर है डायरेक्टर ऑफ सेंट सोलजो लॉ कॉलेज जलंधर, वो एक लैक्चर स्पैशल लगाते होंगे सी जुडिशरी की क्लास का, तो वह बहुत ज़्यादा मेरी हैल्प हुई उस चीज़ में। हुण बस अपनी ईमानदारी दे नाल अपनी ड्यूटी जिहड़ी भी हैगी है उन्होंने निभाना हैगा, तो बस यही हैगा। किस तरह का महसूस होया जो बेटी दी अटैम्प्ट कीता और उस तो बाद जो सब पता लगा? बहुत वधिया लगा। हाँ जी, किस तरह का सहयोग रहिंदा सी एक मदर होण दे नाते, किस तरह का पूरी? बहुत माण महसूस हुंदा सी जदों स्टडी कर रही सी, ते किस तरह का सहयोग परिवार वालों दे दित्ता जांदा सी? हाँ जी, खाण पीन तो बहुत ख्याल उदा रखी दा सी इन्हां दा, ते काम ते बिल्कुल दसीदा ही नहीं है इन्हां नूं। ठीक है, बहुत चंगा लगा जी, साडी बच्ची ने सफलता प्राप्त की, सानूं बहुत खुशी हुई। तो जिहड़े वेले इन्हें दस्या 7:30 दा टाइम सी, ते सानूं बहुत चा चढ़िया। पूरे परिवार च तो इदा लगा जी, जिन्हें जिन्हें भी सुनिया वो कोई भंगड़ा पाता जी, कोई ढोल बजा ढोली भी लिया, पटाके भी लेंदे, बहुत खुशी की थी। ते सारे परिवार ने, भरावां ने, चाचियां ताया ने, सारे ने बड़ा खुशी का माहौल सी। 12 बजे तक तो अं लगे रहे इसे काम भंगड़े खुशियां दे विच, ते परमात्मा ने बड़ी कृपा की। लोगों वास्ते ये देना चाहते हैं भी बच्चियों पढ़ाना चाहिए जी, पढ़ाओ लिखाओ, तो इन्हें माण करो,
ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਫਲਤਾ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।